और कराची को बिजली की सप्लाई बंद होने के बाद पानी की फराहमी भी मौतल हो गई है। धावेजी पंपिंग स्टेशन के 20 पंप बंद हो गए। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि धावेजी घारो और पिपरी पंपिंग स्टेशन की बिजली बहाल हो गई है। शहर को पानी की फराहमी बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली की बंदिश के सबब शहर को 75 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। और कराची को बिजली की सप्लाई बंद होने के बाद पानी की फराहमी भी मौतल हो गई है। धावेजी पंपिंग स्टेशन के 20 पंप बंद हो गए। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि धावेजी घारो और पिपरी पंपिंग स्टेशन की बिजली बहाल हो गई है। शहर को पानी की फराहमी बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली की बंदिश के सबब शहर को 75 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। और कराची को बिजली की सप्लाई बंद होने के बाद पानी की फराहमी भी मौतल हो गई है। धावेजी पंपिंग स्टेशन के 20 पंप बंद हो गए। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि धावेजी घारो और पिपरी पंपिंग स्टेशन की बिजली बहाल हो गई है। शहर को पानी की फराहमी बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली की बंदिश के सबब शहर को 75 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा।